मेरा सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इन कर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। चल बैठ बैठ बैठ, रखवा गाड़ी ले क्या तू, चल रघु, चल 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 रघु, चल स्टार्ट कर। पहचानते नहीं, हम हैं नागमणि। मंत्री पद आपने अपनी मर्जी से छोड़ा था और हमरा स्नेह देखी कि इतना समय हो गया लेकिन उस कुर्सी पर हमने किसी और को नहीं बैठने दिया। वैसे भी सीएम साहब, हम अब उस कुर्सी के लिए लालायित नहीं है, बहुत लंबा लाइन लगा कुर्सी के लिए, बैठा दीजिए किसी को भी। सुने हैं नागमणि को हाईवे से उठा लिया सर। कब का खबर है ये आप हमसे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री आप हैं कि हम? एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, तुम लोगों का पॉलिटिकल गेम में हमारा कोनो नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे। तुम का आग लगाओगे बब्बन लाल? आग तो लग चुका है महाराजगंज में। सतीश कुमार की सरकार का तख्ता पलट हो गया, आप हम लोग के पुराने साथी रहे हैं इसलिए विचार विमर्श करने के लिए बुलवाए हैं आपको। अरे भाई, और कितने हस्ताक्षर लीजिएगा? बस हो गया सर, दो तीन और हैं। जैन साहब को हम पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या है, रुपया पैसे का मामला है, अगर पढ़ा लिखी क्लियर हो तो आगे किसी को तकलीफ नहीं होगी, अब भी खुश और हम भी खुश। ये पहली बार डील कर रहे हैं कहीं घर से, कभी कोई धोखा हुआ है? अरे नहीं नहीं सर, अमरकंद बाबू का जबान तो पत्थर का लकीर होता था, एक बार जो कह देते थे मरते दम तक इससे हिलते नहीं थे। जैन साहब से कहिएगा हम भी अमरकंद बाबू के ही खून हैं। जबान के लिए जान देना और लेना हम भी जानते हैं। वो सर क्या है कि आपसे पहला बार डील कर रहे हैं ना, भरोसा तो धीरे धीरे बनता है सर। पैसा कब भिजवा रहे हैं? सर पहला इंस्टॉलमेंट तो आज रात ही पहुंच जाएगा। अच्छा सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। हम पूछते हैं मामा जी का कमाया हुआ दौलत कहाँ लुटाने का बात चल रहा है? ये कोठी को नीलाम करना चाहते हैं आप लोग? पूरे परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं का? फालतू का बात मत करो रितेश, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। अगर कोई आगे बढ़ के कुछ करने को तैयार है वो भी नहीं पछता है तुमसे। ये जो दौलत इकट्ठा हुआ है ना, उसमें हमारा भी खून पसीना लगा है, ऐसे नहीं लूटने देंगे किसी को। मामी पूछिए इससे, किससे पूछ के कोठी का जमीन गिरवी रखा है? आप क्यों नहीं देते, तुमसे पूछ रहे हैं। तुम हो कौन पूछने वाले कि तुमको जवाब दे? हम हैं कौन? हम वो है जो इस घर के लिए खून पसीना बहाए हैं, हम वो है जो इस घर के लिए अपने बाप का कुर्बानी दिए हैं। अरे चुप कर, किसी बोले की जरूरत नहीं के। जेकर किस्मत में जे रहल से भाई एक दोस्त देवे से का फायदा? तो का आग बंद करके सब कुछ लूटने दें, ये हमसे ना होई। विजय ऊपर जाओ। यप। हाँ। सब खेला रच के नौटंकी भांज रहे हैं। आपका का ये घर छोड़ के दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे? रितेश अपना जबान को लगाम दो। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बना दिया हमको इस घर में, लेकिन ये सब साला आपको जानते नहीं है, जो हम ठान लेते हैं वो करिए के छोड़ते हैं। अरे काहे मात पर खून सवार कहिए पड़ा, सुनियो मत अपन बाप जैसे, ना तो जोश में होश खो देवा और जान चल जाए। अपना जान के परवाह नहीं किया, हमका
अब प्रतिष्ठा के सवाल हो गई बा। विजैया हमरा पे पिस्तौल तान देलेस, अब हम ओकरा के छोड़ब। अरे ई का करे जाता ना, घरे में खून करबा का। हां खून होई ओकरा के, इतनी हिम्मत हमरा पे पिस्तौल तानी। रितेश बुआ हम हाथ जोड़ो थे जे भेल से भाई, अब रवा बात के आगे मत बढ़ाई। नहीं मामी, बात तो आगे बढ़ी, ई बात हियां ना रुकी। उ हमका ललकार लेबा, हम श्रीकांत ना है कि चुप रह जाई। ओके बदले हम माफी मांगे थे रितेश बुआ। मामी मामी तू हमरा सामने से हट जा, ओकरा मन बहुत बढ़ गइल बा। अच्छा ओकरा के शांत करे के छोड़ा ले तोरा चाहे के बा, तो हमरा लाश पर से जाए के पड़ी। मातारी ना रह तू तो तोहार लाश हम कहिए गिरा देले रहती। ई सब तोरे कइल बा। हां तो मार मार ना हमरा के, चला भगोली रुक कहे गइल। अरे ये दिन के खाते ने 9 महीना को अपने रखनी। चला चला वा गोली रुक काहे गेला। चला चला ये घर में तो रहना ही बेकार, आज छोड़ देनी। लेकिन कसम बा तोहार, एकर बदला हम जरूर ले। हम कौन बाप के नहीं जो ये दिन दिखावत है। रितेश भैया बहुत रात हो गई बा, चली ना खाना खा ली। तू यहाँ का कर रहा भाग से। अब हमरा ऊपर काहे नाराज बने भैया जी, हम तो नौकर हैं ना घर के। नाराज था हम अपना माँ बाप से जो हमका पैदा की नहीं और दूसरा के घर में छोड़ दी बड़ा होने के लिए। ये घर का हम अपना समझे, ये घर का लोग हमका इंसल्ट किए, कनपटी पे पिस्तौल लगाए। अब चाय दी ना भैया जी, गलती तो उनकर से हुई गई बा, बाकी विजयकांत भाई साहब कैसा ना करे के चाहत रहा। इंसल्ट के बदला अब जरूर ले, छोड़ा अपना। ए लखन। हाँ बुआ जी। का भाई लो? ए रितेश इतना रात हो गई, चलो खाना खा ले। चल भाग यहाँ से, घर के एक को बूंद पानी ना पिया। कौनो सड़क का कुत्ता समझे है कि जब मन में आया दो को रोटी फेंक दिया और जब मन में आया दो को लात लगा दिया। काम उसने कर गो तो लात ना खाइबा। अच्छा बताते हैं ना हम सबको, बताते हैं हम का चीज है। अपन बेटवा से तो तू हाथ धो ले लू। अरे केकरा के केतना समारिया। ए लखन खाना थरिया से छाप के रखल बा, खाई है तो खिया दिया। खाना तो हम वही दिन खाएंगे जौन दिन विजय कंतुआ का काम तमाम कर देंगे। भैया जी अब चाय दी ना। हेलो हेलो, पहचानिए कौन है हम। अरे नाम बताओगे तभी ना पहचानेंगे। अरे हम धर्मेंद्र बोल रहे हैं। धर्मेंद्र गुप्ता, अब पहचाने कि नहीं। अरे काय नहीं पहचानेंगे, जिला जवार में एक गोत है गिट्टी माफिया धर्मेंद्र गुप्ता। क्या हुआ आपके तो दर्शन नदारत हो गए, कभी कभार हमको भी याद कर लिया कीजिए। अरे का बताएं बस, थोड़ा परेशानी में। अरे तो हम कौन दिन काम में आएंगे, आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव, मदद करने से हम कभी नहीं डरते। अरे हम नहीं जानते हैं का, तो बताइए आप ही बताइए। तो देर काहे कर, कल है मिलते हैं। ठीक है फोन करके आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद बेटा पकड़ में आया है। कौनो जल्दबाजी मत कीजिएगा, समझिए कि हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर बाबा को तनको भनक लग गया तो समझिए हम तो गए काम से। चिंता मत करो धर्मेंद्र भाई,
हम भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले हुए हैं, समझ लो कि इस बार ई पार या वो पार से है। बुझो कि विजय कंतवा गया। बाजी कभी भी पलट सकता है, सतीश कुमार भी चुप नहीं बैठा होगा, और फिर कब किस एमएलए का मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग को मूव कर जाना चाहिए। जितना देर करेंगे अपोजिशन को उतने टाइम मिल जाएगा तोड़फोड़ करने का। लेकिन बाबा अभी नंबर पूरा हुआ ही कहाँ है? अरे नंबर को मारिए गोली, पहले सरकार गिराने का सोचिए, और सरकार गिराने के लिए जितना एमएलए चाहिए उतना तो अपना पास है। सीएम के खेमा से भी बहुत सारे एमएलए सब अपने संपर्क में है, वो सब इंतजार में है कि कब सरकार गिरे तो फांद के इधर आ जाए। आप जल्दी से गवर्नर से मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सर विधायक लोग को सुरक्षित राजभवन तक पहुंचाना ये सब, उसका चिंता आप मत कीजिए, सब इंतजाम हो चुका है। तो ठीक है, हम कल ही गवर्नर साहब के साथ मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। प्रणाम। जी जी जी, सब विधायक को भिजवा दिया झारखंड। हाँ, वहाँ सीन सीनरी देखेगा और क्या। बीज बिहारी क्या कहता है? अरे वो क्या कहेगा, उन्हें तो नाक में दम कर रखा है, उसी का तो किया धरा है ये सब, और अब बहाना बना के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। कितना विधायक कम पड़ रहा है? साथ साथ आप जरा हाईकमान से कह के गवर्नर को, हाँ गवर्नर को कहलवा दी। हाँ, ये बहुमत का फैसला गवर्नर हाउस में होगा या फ्लोर पर? अगर मैडम से कहलवा देते तो काम हो जाता। आप गवर्नर साहब से मिल लीजिए, रात में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी, अरे जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, गवर्नर से मिलना है हमको। जी सर, चलो चलो चलो। ये रुका बेटा, हमरा के टीका तो लगा इधर। कृपा हमेशा तोरा पर बनल रहे बाबू, हमरा आशीर्वाद हमेशा तोरा साथे बा, जहां जइबा जीत के आइबा। अरे दुश्मन के तो तू छक्का छोड़ा दे, बहुत जल्द सब कोई बुझा जाए कि तोरा खून में उहे जोर उफान मार रहल बा जो तोरा बाप के देह में रहे। ई घर से इतना दूर रहे के भी तोरा खून की गर्मी कम नहीं के पड़ल, बल्कि मजबूत भइल बाड़ा तू। सब गुण माटी हो गया, गवर्नर साहब का छाती में अचानक दर्द उठ गया है, 3 दिन का छुट्टी पे गए हैं इलाज कराने वास्ते। देखा कुछ ऐसा नहीं डर रहे हमरा के, ये घर में कुछ मनहूस सब भरल बा, जेकरा रहते ये घर में कभी कौनो शुभ बात ना हो सके, देख ले ना, कैसन आसानी से होखे वाला काम भी खटाई में पड़ जाता यहाँ। अब तोहरा के का बताई बेटा, यहाँ कुछ लोग ऐसन बा जो तोहर तरक्की नहीं के देख सकत। अरे वो कबो ना चाही कि तोहर इच्छा पूरी होए, तोहर सपना पूरा होके। हाँ आइए रितेश भाई, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए बैठे। सुने हैं कि
विजय बाबू भाई जी की गद्दी संभाल लिए। अरे वो का संभालेगा गद्दी, अभी ठीक से दाढ़ी मूछ तो होगा नहीं है, चला है बाहुबली बनने। वही तो हम कहें, उनको का अनुभव है। इसे सही माने में देखा जाए तो भाई जी के बाद उनकी गद्दी पे आपका हक बनता था। इतना दिन आप भाई जी के साथ काम किए और समय आया तो दूध से मक्खी जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। सच मानिए, हमको बहुत बुरा लगा। देखते हैं ना क्या करता है, चार दिन में हेकड़ी निकल जाएगा। बाकी परिवार के लोग, बाबा इन लोग कैसे होने दिया? अरे बाबाई का तो किया कराया है सब, सबको अपना मुट्ठी में रखना चाहता है। और वो जानता है हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। बड़ा गंदा खेल खेले आपके साथ। ईट का जवाब पत्थर से देंगे धर्मेंद्र बाबू, बस देखते रहो। ना चाहिए जवाब ऐसे आदमी को। पता है हमको भी बुलाए थे पर हम साफ है मना कर दिया उनके साथ काम करने को। काहे? फायदा ही तो था साथ में काम करने से। अरे रितेश बाबू, सब काम सिर्फ फायदे के लिए नहीं किए जाते, रिश्ता नाता एक वो चीज होता है। हमार कान भाई जी के बाद अगर हम किसी को जानते हैं तो वो सिर्फ आपको। जब आप ही नहीं है तो ठीक है ना, हम दोनों मिलके एम्पायर खड़ा करेंगे। एम्पायर काहे नहीं, काहे नहीं। आप कहें तो एक बात बोले। बोलो ना। बब्बन लाल से हाथ मिला लीजिए आप। तुमको पता है वो हमारे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए हमको गलत मत समझिए, आप तो जानते ही हैं एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। हम आपके शुभचिंतक हैं वरना ऐसी बात हम कभी नहीं बोलते आपसे। सोचिए इस परिवार के लिए तो आप शहीद हो गए और बदले में क्या मिला आपको? वैसे आप सोच लीजिए, जब आप कहिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे पप्पन लाल से भी हमको कोनो प्रेम नहीं है, तो हम आपके सोच के बोला था। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। नेता पूजे जनता पूजे, इन कर ही कानून चले। जात धर्म ना इन कर, नया चाल चले। बोली